क्या चल रहा है बेटा? रात में शारिक की तरफ से आ रहे हो, सुबह फिर जा रहे हो, दोपहर में भी जा रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? प्लीज इतना करो, चलो, नानू हमारा इंतजार कर रही हैं, वो खाना नहीं खाएंगी। अच्छा, आज अमल आई थी, जारा से माफी मांग कर गई है। अच्छा, चलो ये तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी बात हो गई। हाँ, वो जारा से कह रही थी कि घर जारा के नाम कर देगी, इस घर से जाना चाहती हूँ। अरे बेटा, मैंने तो पहले भी कहा कि आप मेरे पास यहाँ आकर रहो, और बाबा की यही ख्वाहिश है। जब वो मेरे बाबा के साथ काम करते थे तो उनके साथ कोई उनका साथी वगैरह दोस्त कोई तो होगा जो कुछ बता सके। मुझे तो आज तक अली की समझ में ही नहीं आई, अजीब सा रूखा भीखा सा इंसान है, ना कभी मोहब्बत के दो बोल बोले, ना कभी तारीफ की, बस अमल के आगे पीछे घूमना फिरना आता है इनको। वो इमल बीबी आपको बाहर सब खाने पे बुला रहे हैं। मुझे भूख नहीं लग रही है। लेकिन माँ जी ने कहा है कि आपको साथ लेकर ही आऊं। शमसा, उन्हें जाके कह दो जब मुझे भूख लग रही होगी मैं खा लूंगी। जी ठीक है। अली, कहाँ जा रहे हो? नानू, वो शारिक की तरफ जा रहा हूँ। शारिक की तरफ? क्या चल रहा है बेटा? रात में शारिक की तरफ से आ रहे हो, सुबह फिर जा रहे हो, दोपहर में भी जा रहे हो, क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं नानू, वो बस फार्म के कुछ मामलात हैं वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ परेशान हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, फिर इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी नहीं है, आपका वहम है शायद। चलो फिर खाना खा के जाना। हाँ नहीं नहीं नानो, मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है, भूख भी नहीं है मुझे। तुम्हें भी भूख नहीं है, अमल को भी भूख नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है। फिर शमसा से कहती हूँ किचन बंद कर दे। हाँ नहीं नहीं नानो, आप तो नाराज हो गई, आई एम रियली सॉरी। चले चल के खाना खा, आ जाए। अच्छा जाओ फिर, जाके अमल को बुलाओ, तीनों मिलके खाना खाते। ठीक है जा। अमल, अमल, यही अल्लाह की रजा थी, सब्र के अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अली, मैंने ऐसा किया क्या है जिसकी मुझे सजा मिल रही है? नेगेटिव मत सोचो अमल, ये सजा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। मैंने तो सोचा था कि मामा और हसन के बाद इसके सहारे जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन वो भी मुझसे छीन लिया। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ, मामू हैं और नानो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। चलो, नानो हमारा इंतजार कर रही हैं, चलो शाबाश। भूख नहीं है। अमल तुम्हें याद है जब मेरे माँ बाप बाबा की डेथ हुई थी तो मैं इसी तरह करता था। तब तुम ही कहा करती थी कि अगर मुझे अल्लाह के पास मामा बाबा इस तरह देखेंगे तो बहुत परेशान होंगे। अब तुम खुद सोचो कि मुमानी अगर तुम्हें इसी तरह देखती तो कितनी दुखी होती। प्लीज इतना करो, चलो, नानू हमारा इंतजार कर रही हैं, वो खाना नहीं खाएंगी। आप
जय मैं आ रही हूं। हम वेट कर रहे हैं। ले जी चाय आपकी आ गई। अमीना ये पूरा 1,00,000 रुपए, इसे जरा संभाल लो, पकड़। माशाल्लाह आपका काम तो बड़ा अच्छा चल निकले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया, अब काम वाकई चल निकला। अच्छा आज अमल आई थी, जारा से माफी मांग कर गई है। अच्छा चलो ये तो फिर मेरे ख्याल में अच्छी बात हो गई। हाँ वो जारा से कह रही थी कि घर जारा के नाम कर देगी। वो ये भी कह रही थी कि 1-2 दिन में ना घर जारा के नाम हो जाएगा। वैसे अमीना अगर ऐसा हो जाए तो मेरे ख्याल में तो और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल है ना। मैं जरा पैसे संभाल के आई। पैसे लग, मैं चाय पी लूं जरा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वाले सलाम। बाबा मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा बोलो। आप प्रॉमिस करें कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे। अरे बेटा तुम कह कर तो देखो, तुम्हारी हर बात शराब हो। बाबा मैं ये घर सारा के नाम करना चाहती हूँ और इस घर से जाना चाहती हूँ। अरे बेटा मैंने तो पहले भी कहा कि आप मेरे पास यहाँ आकर रहो, और बाबा की यही ख्वाहिश है, लेकिन ये जहाँ तक बात घर जारा के नाम करने की है, ये बात समझ में नहीं आई बेटा। बाबा प्लीज, आपने कहा था ना आप मेरी बात मानेंगे। ओके बेटा मैं 1-2 दिन में आ रहा हूँ, आप बेटा अपनी तैयारी करो। थैंक यू सो मच बाबा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह माफ कीजिएगा, मैं आपसे आपके वालिद साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। उन्होंने आपसे कुछ तो कहा होगा। नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ आपको तलाश करने का कहा था, और कहा था कि मेरे दिल पे बहुत बोझ है जो मैं आपसे मिलके बोझ हल्का करूँगा। जब वो मेरे बाबा के साथ काम करते थे तो उनके साथ कोई उनका साथी वगैरह दोस्त कोई तो होगा जो कुछ बता सके। नहीं अली साहब, मेरी याददाश्त में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि एक अरसा हो गया हम अपना मकान तब्दील कर चुके हैं। पुराने जाने वाले कौन थे इसका हमें इल्म नहीं है। हो सकता है कि आपकी वालदा जानती हूँ इस बारे में कुछ। जी उनका 5 साल पहले इंतकाल हो गया। ओह आई एम सॉरी। क्या हुआ? कुछ मालूम नहीं हुआ यार। चल चले। अमल का फोन आया था? नहीं अभी तक तो नहीं आया। और अली का फोन भी नहीं आया था? आया था 1-2 दफा, लेकिन मैंने काट दिया था। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? कम से कम अपने शौहर को तो काबू में रखो। मुझे तो आज तक अली की समझ में ही नहीं आई। अजीब सा रूखा फीका सा इंसान है, ना कभी मोहब्बत की दो बोल बोले, ना कभी तारीफ की, बस अमल के आगे पीछे घूमना फिरना आता है इनको। अरे दोनों में बचपन की दोस्ती जो है, लेकिन सुहागन वही जो पिया मन भाई। तुम अली के साथ अपना मूड खराब मत करो बेवकूफ लड़की। अच्छा ठीक है, शाम को कर लूंगी कॉल उन्हें। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेपरवाही की वजह से ना अली के दिल से ही उतर जाओ, फिर हाथ मलती रहना। अच्छा कह तो रही हूँ कर दूंगी कॉल, आपको तो बस पीछे पड़ना आता है। अरे बेवकूफ लड़की, मैं तेरे भले की बात कर रही हूँ, खाली घर नाम करवा लेने से कुछ नहीं होता। याद नहीं है साइमा भाभी, अपने मियाँ को अपना बनाने में ही जिंदगी का आराम और मजा है। अच्छा बस कर दे अब,